हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ध्यान रखना, आपको याद रखना, आपके जो सीयूईटी का पेपर है या आगे आप कोई भी नेट का एग्जाम वगैरह दें तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर डाल देता है। ठीक है, पूछ लेगा कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो कहां, कौन से एक्ट में है। तो आपको याद रखना है, पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब पूछ ले कि सेक्शन 4 में क्या डिफाइन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपको प्रिपेयर रहना है पहले से। थोड़ा थ्योरी पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, जब जाके आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। करेक्ट, तो चलते हैं। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज फॉलोज। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप क्या है, एक संबंध है बिटवीन पर्संस, लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड, जो क्या हुए हैं, तैयार हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स, एक लाभ बांटने के लिए तैयार हुए हैं एक बिजनेस का, कैरीड ऑन बाय ऑल, सबके द्वारा काम किया जाए, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। कौन बता रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1934 सेक्शन 4। करेक्ट, अब पार्टनरशिप थस इज अ बिजनेस रिलेशनशिप, क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप है अमंग टू और मोर पर्संस टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अ पार्टनरशिप थस अ बिजनेस रिलेशनशिप, क्या है, एक बिजनेस रिलेशनशिप है अमंग टू और मोर पर्सन, एक से दो से अधिक पर्संस टू शेयर प्रॉफिट्स, जो क्या हुए हैं, टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस, एक व्यापार के लाभ और हानि बांटने के लिए तैयार हुए हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके द्वारा कार्य किया जाए या उनमें से एक के द्वारा और जो सबके लिए करे। करेक्ट, पार्टनर्स फर्म एंड फर्म नेम द पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। ठीक है, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिव ए फर्म, क्या बनाते हैं, फर्म बनाते हैं। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम, फर्म नेम आप जो भी रखना चाहें, जैसे मैंने लग लिया चोला मंडलम, ठीक है, पैलेस, मान लो मेरा एक होटल है उसका नाम रख लिया, तो क्या ये फर्म के नेम, जो भी बिल्स वगैरह होंगे इसके अंडर कटेंगे। बात समझ पा रहे हैं, बहुत आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन अब आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा सा सीबीएसई ने घुमा दिया और उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।